हेलो दोस्तों यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसएन टॉक्स। आज फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं यामाहा की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड बाइक के बारे में, यामाहा R15 V4 के बारे में। दोस्तों यामाहा की R15 V4 को लेकर मुझे कुछ टाइम पहले काफी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई एक बार आप फिर से दोबारा वीडियो बना दो R15 V4 को लेकर। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर मैंने कोई खास डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई थी यामाहा R15 V4 को लेकर, जिसमें मैं दोस्तों आपको कन्फर्म होकर बता सकूं कि ये बाइक आने वाली है या नहीं। इसीलिए दोस्तों मैंने आज ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से कंफर्म होकर बताने वाला हूं क्या यामाहा R15 V4 आएगी इंडियन मार्केट में, और अगर आएगी तो क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं बाइक में, और साथ ही साथ दोस्तों लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाने वाला है इंडियन मार्केट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज ही इस वीडियो को। दोस्तों यामाहा के R7 के लॉन्च होने के बाद यामाहा R15 V4 के लॉन्च होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और दोस्तों ये भी कंफर्म हो गया है कि यामाहा R15 V4 आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी लॉन्च होते हुए ग्लोबल मार्केट में और अपनी इंडियन मार्केट में। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यामाहा R15 V4 में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो यार दोस्तों बाइक का सबसे बड़ा चेंज होने वाला है बाइक के डिजाइन में, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होगा यामाहा R1M पर, जिसमें आपको बाइक के फेयरिंग में और फ्यूल टैंक में काफी मस्कुलैरिटी देखने को लेगी यामाहा की तरफ से। और दोस्तों बाइक के फ्रंट पार्ट को भी थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा बाइक को एक नया लुक देने के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है दोस्तों, वो बाइक के कंसोल को और फीचर्स को लेकर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बाइक का कंसोल थोड़ा और बड़ा और कलरफुल देखने को मिलेगा यामाहा की तरफ से। और दोस्तों बाइक के फीचर्स में आपको अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपनी बाइक से रिलेटेड आपके मोबाइल स्क्रीन पर। और साथ ही साथ दोस्तों अब आपको यामाहा R15 V4 में फुल्ली LED लाइट का काम देखने को मिलेगा हर पार्ट में यामाहा की तरफ से। और बाइक के सस्पेंशन दोस्तों वही सेम पुराने टेलीस्कोपिक वाले रहने वाले हैं, क्योंकि अगर यामाहा इसमें अपसाइड डाउन फोक को इंस्टॉल करता है तो बाइक का प्राइस 15,000 से 20,000 रुपए से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बाइक के सेल्स पे काफी इफेक्ट आएगा। दोस्तों ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो आपको देखने को मिलेंगे यामाहा R15 V4 में। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। बाइक का इंजन दोस्तों सेम रहने वाला है, लेकिन अब की बार इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आपको पावर में थोड़ा इंक्रीज देखने को मिले। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप कितने BHP की पावर को देखना पसंद करोगे यामाहा R15 V4 में। और डायमेंशन की बात करें तो आपको कवर थोड़ा सा और हैवी देखने को मिलेगा बाइक का। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 170mm की रहने वाली है, और दोस्तों सीट हाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो आपको 820mm की देखने को मिलेगी, जो काफी दिक्कतें देने वाली है शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। और दोस्तों R15 V3 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर काफी सारी परेशानी थी, उस परेशानी को भी दोस्तों यामाहा R15 V4 में दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यामाहा की R15 V4 कब लॉन्च होने वाली है ग्लोबल मार्केट में, और दोस्तों इस बाइक को इंडिया में आते आते कितना टाइम लग जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यामाहा ने अपनी MT09 और MT07 का 2021 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है ग्लोबल मार्केट में। तो दोस्तों R7 के लॉन्च होने के बाद अब वो टाइम आ गया है कि यामाहा अपनी R सीरीज पर भी थोड़ा ध्यान दे और उनको 2021 के वेरिएंट के साथ लॉन्च करे। ऐसे में दोस्तों यामाहा R15 V4 को लॉन्च होते होते काफी टाइम लगने वाला है, फिर भी दोस्तों आपको ये बाइक 2021 के एंड में देखने को मिल जाएगी ग्लोबल मार्केट में। और दोस्तों R15 V4 इंडियन मार्केट में 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों लॉन्च होने पर ये बाइक आपको 160,000 से 170,000 के एक्शन प्राइस पर देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। तो बस यार दोस्तों ये थी आज की वीडियो यामाहा R15 V4 के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि क्या आप यामाहा R15 V4 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हो या फिर आपको किसी और बाइक का इंतजार है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसी ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।